डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूँ गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि भारत के बच्चे एक गेमिंग की दुनिया को लीड करें। गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं। हम उस दिशा में काम करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्पीच जो बोली गई इस साल के 15 अगस्त के लाल किले से, सुन के कितनी क्रेजी लगती है, क्योंकि जिस वीडियो गेम और एनिमेशन को एक टाइम पे अटल टाइम वेस्ट और बच्चे बिगाड़ने की मशीन बोला जाता था, आज उन दोनों के बारे में देश के पीएम का विजन सामने आया है। और तुम शायद इस बात पे यकीन ना कर पाओ, लेकिन इंडिया इज प्लानिंग टू कम्प्लीटली बिल्ड इट्स ओन गेमिंग एंड एनिमेशन मार्केट बाय 2047। तो कुल मिलाकर टोटल स्टोरी क्या है, क्या इस फील्ड के अंदर अपडेट हो रहे हैं, क्या इसके अंदर आगे चीजें होने वाली हैं, इन सब के ऊपर आज मैं आपको एकदम डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। और उनके साथ ही, क्योंकि मैं इस 3D एनिमेशन फील्ड में पिछले 6 सालों से एक्टिव हूं, तो फ्यूचर के इंडियन एनिमेशन और इंडियन गेमिंग मार्केट को मैं कैसा देखना चाहूंगा, चलो मैं आपको बताता हूं। पता है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम सब ने इस चेंज को अपने सामने होता देखा है। जब गेमिंग और एनिमेशन को मजाक में लिया जाता था, गेम खेलने हो तो 50 रुपए की CD और एनिमेशन के नाम पे पायरेट करे हुए एपिसोड। तो गेमिंग और एनिमेशन यहाँ पे चल तो रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम जनता में कभी पॉपुलर नहीं थे। लेकिन फिर आता है 2016, जो कि लिटरली इस देश को कई मायनों में बदलने वाला था, बिकॉज इट वॉज द ईयर वेन वी गॉट Jio। फ्री इंटरनेट आने से समझो एक ऐसा डायमेंशन ओपन हुआ जिसको अब तक हम सिर्फ बाहर खड़े होकर देख रहे थे। रातों रात कई सारे यूट्यूब चैनल्स लगे, एडटेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में आइडियाज दौड़ने लगे। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर आज पूरे इंडियन पॉपुलेशन की प्रेजेंस पूरे इंटरनेट पे देखी जा सकती है। लेकिन अब तुम सोचोगे कि इस बात का गेमिंग और एनिमेशन से क्या मतलब, तो यही तो है वो कनेक्टिंग लिंक। जैसे ही इस देश के अंदर इंटरनेट अवेलेबिलिटी बढ़ती गई, अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक ओपन मार्केट नजर आई। और उसी बीच जब हमारे यहाँ के फोन में क्लैश ऑफ क्लैंस और मिनी मिलिशिया जैसे गेम अल्ट्रा पॉपुलर होते थे, वहीं पे फिर एंट्री होती है पबजी की। और जैसे कि मैंने कहा, गेमिंग तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन मेन स्ट्रीम जनता ने जब एक ऐसे गेम को देखा जो कि सबसे पहले तो करोड़ों लोगों के मोबाइल पे चल पाए, उसके लिए कोई कंप्यूटर या कंसोल ना खरीदना पड़े, खेलने के लिए कम्प्लीटली फ्री हो और दोस्तों के साथ मिलाकर एक टीम बना के खेला जाता हो, तो फ्री इंटरनेट के साथ साथ पबजी का ये इतना खतरनाक मटेरियल एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला बन के उभरा जो कि देखते ही देखते फिर पूरे देश में फैल गया। और इसी बीच एक और ऐसी साइड थी जो कि गेमिंग जितने शायद बड़े स्केल पे तो नहीं थी, लेकिन उसकी जो नॉइज थी ना, वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। आपको याद होगा 2017 से 2020-21 तक एक पेटिशंस का दौर चलता था, जहाँ पे अलग अलग एनिमे को लेकर ब्रिंग एनिमे इन इंडिया, मेक एनिमे इन इंडिया जैसे मुद्दे उठते थे, जिन पे फिर शुरुआती अटेंशन तो ज्यादा नहीं आ पाई, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर जब वो ट्रैक्शन बिल्ड होना शुरू हुआ ना, तो आज उसका नतीजा ये है कि हम अपने सामने क्रंची रोल, Jio सिनेमा सबके ऊपर एनिमे ब्रॉडकास्टिंग और एनिमे को हिंदी में डब होता देख रहे हैं। कई सारे इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज उभर कर आ रहे हैं। और इन सब चीजों के इस पूरे बदलाव पे जो सबसे ज्यादा कड़ी नजर अगर किसी की थी, तो वो थी इंडिया की गवर्नमेंट। वैसे तो मेरी ऑडियंस बड़ी अपडेटेड रहती है, बट फिर भी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसका कंप्लीट एरिया ऑफ ऑपरेशन देश के आर्ट, सिनेमा, टीवी चैनल, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पेशली देश के अंदर जो कंटेंट बनता है ना, उसके ऊपर रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी XYZ मूवी को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया, किसी और रैंडम मूवी को किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर चलने से रोक दिया, या फिर इवन OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई नए रूल्स लगा दिए। तो इन सारी चीजों के पीछे होती है ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ऐसे में सोचो जब एक आउटसाइडर वीडियो गेम इंडिया के अंदर आकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमा जाए, एनिमेशन इंडस्ट्री जो कि शायद एनिमेशन के प्रोडक्शन में तो पीछे है, लेकिन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सर्विस हर साल प्रोवाइड करती है, तो ये दोनों चीजें एक बहुत ही बड़ी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आती है। क्योंकि एक टाइम वो भी था जब इंडिया में ट्रेडिशनल बिजनेसेस एंड फार्मिंग से उठ के देश की जो दिशा थी ना, वो IT फील्ड में जा रही। एंड नाउ कट टू 2024 का ये टाइम, आज गवर्नमेंट और बाकी सभी बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही बड़ी ग्रीन लाइट है टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड एम्पावरिंग इंडियाज ओन गेमिंग एंड एनिमेशन इंडस्ट्री। तो अब जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली इस इंडस्ट्री को पहचाना है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में फ्यूचर ऑफ इंडियन एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर 4 विजन्स हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में कहूं तो 4 ऐसे क्राइटेरिया या फिर चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से एक इंडिपेंडेंट और एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री में होनी ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विजन है ओरिजिनलिटी। मतलब यार ये तो ना एकदम एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ना 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनका अगर मैं नाम ले लूंगा
करूंगा तो फिर कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी या फिर कुछ बड़े लोगों को मिर्ची लग जाएगी। लेकिन ये हमारे देश की मीडिया एंड कंटेंट की हमेशा से एक रियलिटी रही है कि भाई हमसे जहां कहीं हो सकता था ना, हमने हॉलीवुड और पूरे वर्ल्ड सिनेमा को बुरे तरीके से कॉपी किया। आज तो देश के अंदर फिर भी इंटरनेट है, सबके पास अपनी वॉइस है जहां पे कॉपीकैट्स को 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बार जरा सोचो कि इंटरनेट से पहले एंड इवन टीवी के आने से पहले तो यहां पे जंगल राज होता था, जहां पे कई सारे बड़े बड़े सो कॉल्ड मेकर्स ने म्यूजिक कंपोजिशन से लेकर एक्टर्स के कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी प्लॉट एंड इवन स्क्रीन प्ले से लेकर पोस्टर डिजाइन तक कितना कुछ कॉपी किया है। और सीन तो मतलब कुछ ये था कि कुछ पीसेस ऑफ कंटेंट को छोड़कर अगर हम अपने पूरे कंटेंट को वर्ल्ड स्टेज पे लेकर जाए ना, तो ना जाने भाई कितने बड़े बड़े आईपीस के ऊपर कॉपीराइट लॉ सूट्स का सामना करना पड़ जाए। और यही एक ऐसी कमजोरी है जो कि इंडियन कंटेंट को एक ट्रूली वर्ल्ड स्केल पे पहचान नहीं दिला सकती। और एक बार के लिए अगर सोचे ना, तो मूवीज या गाने तो फिर भी बचे रह गए, बट अगर हम अपने देश के अंदर एनिमेशन और वीडियो गेम्स की शुरुआत करते हैं और अगर उनके अंदर कोई छोटी सी भी सिमिलैरिटी नजर आ गई ना, तो पहले तो हमारे कंटेंट का मजाक उड़ाने वाले अपने खुद के ही लोग बैठे हैं, बाहर की ऑडियंस तो बाद में आएगी। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इफ वी वांट आवर इंडियन एनिमेशन एंड गेमिंग टू रीच द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, उनके अंदर की स्टोरी से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब कुछ एकदम अपना ही होना चाहिए। बट मान लेते हैं कि हमने कई सारे साल लगाकर एक कंप्लीट ओरिजिनल आइडिया डेवलप भी कर लिया, कई सारे रातों और कई सारे दिनों में जाग जाग के प्री प्रोडक्शन को भी सॉर्ट आउट कर लिया, एक एक पैरामीटर को अच्छे से एनालाइज किया, लेकिन जब बारी आई उसके प्रोडक्शन की, तो हम कभी भी वो क्वालिटी अचीव ही नहीं कर पाए जो कि 2024 या फिर उसके आगे के सालों में रेलेवेंट एंड डिमांड में है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन आर्ग्यूमेंट ये चलता है कि यार इंडिया का पहला गेम है या फिर पहला एनिमेशन है तो फिर क्वालिटी को साइडलाइन कर सकते हैं। मतलब यार क्वालिटी को देख रहे हो, ये देखो ना कि बनाने में एफर्ट कितने लगे हैं, जो कि यार बिल्कुल मैं इस बात को समझता हूँ। इंडिया के अंदर जितने भी इंडी स्टूडियोज या फिर जितने भी नए बंदे जो शुरुआत करते हैं ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल ऑब्वियसली करते हैं। मैं तो यार खुद इस 3D एनिमेशन इंडस्ट्री को अंदर से देख चुका हूँ दोस्त, तो मुझे पता है कि बैक ऑफ द स्टोरी क्या है। लेकिन एक बार के लिए अगर जरा एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचे ना, और वो भी ऑडियंस जो कि इंटरनेशनल है, तो ऐसे में भाई इतनी फास्ट मूविंग दुनिया में इंटरनेशनल ऑडियंस को तुम्हारे एफर्ट से कोई मतलब नहीं है। I mean, कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे जो कि एफर्ट्स को जरूर एम्ब्रेस करते हैं, लेकिन एक लार्ज स्केल के सीन पे ना, लोगों को एफर्ट से ज्यादा चीज के अंदर इंटरेस्ट है। कोई भी बैठ के ये सुनना नहीं चाहता कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना करके ये चीज को बनाया है, लोग सिर्फ उसका आउटपुट देखते हैं। और ऐसे लोगों के लिए अगर हम एक लो क्वालिटी प्रोड्यूस करके उनके सामने रखेंगे, तो वील जस्ट बी अ लाफिंग स्टॉक फॉर देम, जिसको कि वो YouTube रिएक्शन पे व्यूज के लिए अच्छा तो बोल देंगे, लेकिन कभी भी पर्सनली यूज नहीं करेंगे। एंड दैट इज व्हाई हमें सबसे पहले तो ये नोशन अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि पहला इंडियन प्रोजेक्ट है तो फिर क्वालिटी में सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मतलब यार ये बात अगर तुम आज से 10-15 साल पहले बोलते ना, उस टाइम अगर कोई शुरुआत करता और उसके बारे में ये वाला आर्ग्यूमेंट उठता, तो फिर भी एक बार कुछ चीजें जो है वो समझी जा सकती थी। लेकिन आज के टाइम पे जितना ज्यादा कंटेंट हमारे आसपास अवेलेबल है, आप बिना क्वालिटी के सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे ना। और समझना जरा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पहला कोई गेमिंग प्रोजेक्ट है तो फिर उसको सीधा RDR जैसा बना दो या पहले इंडियन एनिमेशन को डायरेक्ट डीमन स्लेयर जैसा कर दो। दैट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल एंड आई एम नॉट इवन सेइंग दैट। मैं बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि शुरुआती स्टेज में उतने बड़े लेवल पे बिल्कुल नहीं जाना है, एंड वी मस्ट स्टार्ट स्मॉल, बट वी शुड डू आवर एब्सोल्यूट बेस्ट टू मेक दैट स्मॉल पीस ऑफ कंटेंट वर्थ नोटिसिंग। तो ओरिजिनलिटी फिक्स हो गई, क्वालिटी भी टारगेट कर ली, लेकिन एक चीज जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और किसी भी इंडस्ट्री की एक डायरेक्ट लाइफलाइन है, वो है उसके लोग। किसी भी देश की किसी भी इंडस्ट्री को देख लो, अगर उस देश के आइडियाज दुनिया भर में फैल पाए हैं, तो उनके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि उस देश के इकोसिस्टम ने ना अपने लोगों को आगे बढ़ाया। और गेमिंग एंड एनिमेशन तो है ही ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे डायरेक्टली उसके लोगों का इनपुट ही सब कुछ है। लेकिन सीन पता है क्या है, अगर सिर्फ कोई एक नॉर्मल इंसान है, मतलब कि कोई एक नॉर्मल गेमर है, या फिर वो एक एनिमेशन व्यूअर है जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटेंट को देखने या फिर यूज करने का शेड्यूल ये होता है कि 3-4 घंटे गेमिंग करी, 5-10 एपिसोड देखे और उसके बाद गेट बैक टू देयर ओन वर्क, जो कि हालांकि ऊपर से तो जानते हैं कि इन सारी चीजों को बनाने में एफर्ट्स कितने लगते हैं, लेकिन कभी भी ना मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि एक वीडियो गेम या फिर एक एनिमेशन को बनाने में एफर्ट्स कितने जाते हैं, जिसका एक डायरेक्ट आउटपुट यह निकलता है कि हमारी कंट्री में ये जो एनिमेशन आर्टिस्ट, CGI एंड VFX आर्टिस्ट एंड इवन वीडियो गेम के आर्टिस्ट भी है ना, उनका एक बहुत ही बड़ा मेजॉरिटी का पार्ट अंडरपेड एंड एक्सट्रीमली ओवरवर्क्ड रहता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि फ्यूचर के लिए हमको इसको फिक्स करने की बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में एनिमेशन एंड फ्यूचर ऑफ वीडियो गेम्स वर्ल्ड क्लास लेवल के होना, तो उसका बस एक ही रास्ता ये है कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट को सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज किया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए और उनके काम के मुताबिक कम्प्लीटली रिवॉर्ड किया जाए। जहाँ पे मेरा फाइनल विजन आता है, द फाइनेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैंने यहाँ पे भूल तो दिया कि भाई आर्टिस्ट को रिवॉर्ड किया जाए, लेकिन मुझे भी पता है कि ये कितना मुश्किल टास्क है, क्योंकि रियलिटी यही है दोस्त कि अगर तुम इस देश के अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग करना चाहते हो, मतलब कि तुम्हारा ये प्लान है कि तुमने फॉर एग्जांपल कोई XYZ स्किल सीखी है और अब तुम अपनी उस स्किल को एज अ सर्विस देके पैसे बनाना चाहते हो, फिर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली इस इंडस्ट्री में पैसे बहुत है। वर्ल्ड वाइड स्टेज पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मूवीज, टीवी शोज एंड वीडियो गेम्स बनते हैं, जहां
यहाँ पे पैसों की तो भाई सुनामी आई हुई है, और हर एक पीस ऑफ कंटेंट के अंदर CGI और एनिमेशन तो यूज होना ही है। तो सर्विस इंडस्ट्री में जाने से ना कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके तुमको कुछ अपने रिस्क के ऊपर प्रोड्यूस नहीं करना है, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट आया और वो आगे चल के फेल भी हो गया, बट तुम्हें वहाँ पे अपने काम की फीस या फिर चार्जेस पहले ही मिल चुके हैं। लेकिन जैसे ही हम सर्विस से हट के एक प्रोडक्शन पे आते हैं ना, तो यहाँ पे अब हमें चाहिए होते हैं पैसे, और वो भी कोई छोटा मोटा फंड नहीं बल्कि अनकंडीशनल पैसे। बट अपने यहाँ पे ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाता, क्योंकि अपने देश की जो ऑडियंस है ना वो सपोर्टिव तो बहुत है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जिससे कि वो 1-2 हजार के गेम नहीं खरीद पाते, 1-1.5 लाख का गेमिंग सेटअप नहीं बना पाते, जिससे कि गेमिंग इंडस्ट्री सफर करती है। और एनिमेशन अगर मान लो किसी ने बना भी दिया तो फिर देखने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेगा ही नहीं, और एनिमेशन के अंदर यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। तो ऐसे में जब जनता ही पैसे नहीं देगी तो फिर इन्वेस्टर एंड प्रोड्यूसर तो ऑलरेडी पीछे हट जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एक इनिशियल स्टेज पे हमारी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और कुछ ऐसे फंड्स बनाने पड़ेंगे जो कि स्टार्टिंग स्टूडियोज एंड टीम्स को बैक कर पाए और एक अनकंडीशनल सपोर्ट कर पाए। यहीं पे आता है इंडियन गवर्नमेंट का वो वाला पार्ट जिसको कि सुनके तुम्हें बड़ी खुशी होगी कि फाइनली आफ्टर ऑल दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठा लिया है। जैसे कि तुम द हिंदू के इस आर्टिकल में देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया की इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मिस्टर संजय जाजू की ये क्लियर कट स्टेटमेंट है कि अब तक इंडिया की कॉम्पिटेटिव एज सिर्फ सर्विस एक्सपोर्टिंग में थी, लेकिन अगर हमें ट्रूली एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाना है ना, तो फिर इंडियन इंडस्ट्री का फ्यूचर आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड कम्प्लीटली ओरिजिनल स्टोरीज में ही छुपा है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारी पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल बैकिंग सब कुछ करने को तैयार है, जो कि यार ऑब्वियसली जब तक ढंग से एक्शन में ना आ जाए हम लोग ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके तुम इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना, क्योंकि फाइनली हमारे देश में सरकार से लेकर लोगों तक एनिमेशन और गेमिंग का बदलाव शुरू हो चुका है। और इसी के साथ यार वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता चले कि इंडियन एनिमेशन एंड इंडियन वीडियो गेम इंडस्ट्री में क्या कुछ होने वाला है। वीडियो के बारे में एक कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अगर तुम्हारा मन करे तो तुम इस चैनल हिडन कैलिबर को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी इसी के साथ यार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।